नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे, क्लियर। और आज का अपना जो टॉपिक है वह है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर भी कहा जाता है। तो आज अपना टॉपिक है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी भारतीय राष्ट्रीय जो जन आंदोलन है उनमें इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीडी सावरकर जी ने भागुर गांव महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को जन्म लिया था महाराष्ट्र में। इनके दादा का नाम विनायक जी था, इनके पिता का नाम दामोदर जी था, अतः इनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, क्लियर। नेक्स्ट, आपने 1901 में मैट्रिक पास की, फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन किया और इन्हें ब्रिटिश सरकार ने इनकी जो भारत की राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी इनमें संदिग्ध मानते हुए इन्हें एक जन्म नहीं दो जन्म तक आजीवन कारावास देने की बात कही। यानी ये भारतीय राष्ट्र जो जन आंदोलन चल रहा था इन्होंने अपनी महती भूमिका उसमें निभाई थी। दूसरी बात, इनकी बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखी, जिसकी जिसको प्रकाशन से पहले ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया, उन्हें जब्त कर दिया। नेक्स्ट, 1606 में आपने अभिनव भारत की स्थापना की और आपने 1857 की जो क्रांति है उसे गदर नहीं कहा बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। ये इनके द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या था, इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और इन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही, क्या कार्य रहे और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दो जन्म तक आजीवन कारावास की सजा दी, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं सर विनायक दामोदर सावरकर जी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेताओं में वीर सावरकर का स्थान उल्लेखनीय है। वे महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, महान संगठनवादी थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया उनकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। ये अपने तप और त्याग का बिना कुछ पुरस्कार लिए ही चिर निद्रा में सो गए। सावरकर जी को जनता ने वीर की उपाधि से वशीभूत किया था, अर्थात वे वीर कहे जाते थे। वे सचमुच भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। यानी इनकी वीरता से प्रभावित होकर लोगों ने इनको वीर की उपाधि से वशीभूत किया क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य वीरतापूर्ण थे, इसीलिए जनता ने इन्हें वीर की उपाधि से वशीभूत किया। वे सचमुच भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। यानी भारत की जो स्वतंत्रता दिलाई थी उनमें भी इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी, अतः ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। वे सिपाही भी थे, सेनापति भी थे, यानी वे लड़ने वाले भी थे और नेतृत्व करने वाले भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए स्वयं युद्ध तो किया ही
साथ ही सहस्त्र युवकों को भी युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी, यानी खुद ने भी युद्ध में भाग लिया था और अनेक लोगों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया था, यानी स्वयं ही सैनिक थे और स्वयं ही सेनापति थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में ही नहीं बल्कि संसार के किसी भी देश की स्वतंत्रता के इतिहास में उन जैसा स्वतंत्रता के संग्राम का योद्धा बहुत ही कम देखने को मिला है, यानी इनके जैसा जो स्वतंत्रता संग्राम का नेता है वो भारत ही नहीं अपितु विश्व के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनमें इनके जैसा नेता मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ। दादा विनायक, पिता दामोदर का नाम लेकर उनका वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर पड़ा था। देशभक्ति सावर को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, यानी इनके पिता और पितामह दोनों ही देशभक्ति की बात करते थे और उनके लिए ही कार्य करते थे। अतः इन्हें जो स्वतंत्र कराने की जो प्रेरणा मिली अपने पिता और पितामह दादा के द्वारा मिली थी। 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद सावरकर जी ने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। वे एक प्रतिभाशाली और तेजस्वी छात्र थे। कॉलेज के दिनों में ही लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक के संपर्क में आए, यानी इन्होंने मैट्रिक पास की, फर्ग्यूसन पूना कॉलेज में गए और महाराष्ट्र के ही क्रांतिकारी नेता, जो महाराष्ट्र नहीं भारत के भी क्रांतिकारी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के संपर्क में आए और उनसे प्रेरित हुए। बंग भंग के समय आपने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, यानी उन्होंने एक संगठन बनाया मित्र मेला और उसके माध्यम से विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। परिणामतः कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए, यानी जो ब्रिटिश कॉलेज थी उससे इनको निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो सरकार के विरुद्ध बहिष्कार होली जलाने की बात कार्य इन्होंने किया इसके अपोजिट, सरकार के विरोध में, और बीए की डिग्री भी निलंबित कर दी, यानी इनके जो छात्र जीवन में ये स्नातक होना चाहते थे उसकी डिग्री की भी डिग्री को भी ब्रिटिश हुकूमत ने निलंबित कर दिया। इन्होंने बैरिस्टर तो पास की परंतु देशभक्ति के कारण बैरिस्ट्री की उपाधि धारण नहीं की। सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन का लंबा काल अंडमान की सेलुलर जेल के सीखचों के पीछे बीता, यानी ये पहला नेता थे जिनका अधिकांश समय जेल के पीछे, यानी जेल की जो मजबूत लोहे की सलाखें थी उनके पीछे बीता, और विश्व में एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं अपितु दो जन्म आजीवन कारावास की सजा दी थी। विश्व के इतिहास में कोई भी ऐसा क्रांतिकारी देशभक्त हुआ होगा जो जान की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के लिए घंटों समुद्र की विशाल लहरों पर तैरा हो, यानी ये घंटों समुद्र की विशाल लहरों पर तैरते रहे। वे ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनकी पुस्तक, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह आपके सामने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। आप छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व अगम्य गुरु परमहंस उनके प्रेरक थे, यानी ये तीन प्रमुख जो व्यक्ति थे वो इनकी प्रेरणा के स्रोत थे। सावरकर जी ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया, यानी जब महारानी विक्टोरिया 1901 में इस देश से वही संसार से चली गई थी तो भारत में भी शोक सभा का आयोजन किया गया, पर सावरकर जी ने इस चीज का विरोध किया कि शोक सभा नहीं मनानी चाहिए। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलामी का उत्सव माना, यानी जब नए शासक बने एडवर्ड सप्तम तब उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, गद्दीशीनी हुई थी, तब इन्होंने गुलामी का उत्सव माना कि यह उत्सव नहीं, ये गुलामी का उत्सव है, ये कोई हर्ष करने की बात नहीं है, यह गुलामी का उत्सव है। विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन और देश और जाति के प्रति द्रोह कहा, यानी उनके उत्सव मनाने को देश के लिए देश और जाति के प्रति विद्रोह कहा उन्होंने कि हमें इनका उत्सव नहीं मनाना चाहिए। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की, चापेकर बंधुओं की फांसी के पश्चात यदि सावरकर
भारत में रहते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। चापेकर बंधु, इन्होंने रेड और अयस्ट की हत्या कर दी। विनायक चामन चापेकर और दामोदर चापेकर, क्लियर, गिरफ्तार कर लिए जाते। इसलिए जब उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली तो वे बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। वे गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनके सामने भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न था। यह गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे क्योंकि इनके सम्मुख भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न था, अतः ये लंदन गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में विभिन्न विषयों पर भाषण, विचार गोष्ठियां, महान पुरुषों की जयंतियां मनाने का ऐसा क्रम प्रारंभ किया जिसे भारतीय तरुणाई देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह सकी। इन्होंने अभिनव भारत में विचार गोष्ठियां, सम्मेलन किए और महापुरुषों की जयंतियां मनाई, जिससे भारत के जो स्वतंत्रता के जो लोग हैं उनमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। ये विनायक दर्जी, विनायक दामोदर सावरकर जी के महत्वपूर्ण कार्य थे। उन्होंने ऐसे ऐसे उत्सवों का आयोजन किया जिससे देश के जो लोग थे उनमें स्वतंत्रता की बात जागने लगी। सावरकर जी ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्धशताब्दी मनाने का निश्चय किया। यानी 1857 की जो क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, विप्लव था, गदर था, उसको 1907 में उसके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, अतः उसे अर्धशताब्दी मनाने का निश्चय किया। 1857 की क्रांति पर मराठी में पुस्तक प्रकाशित की गई, इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया गया। यानी आपने एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे 1857 की लड़ाई को देश की प्रथम लड़ाई बताया। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता युग की संज्ञा प्रदान की थी। सरकार इतनी भयभीत हुई कि इस पुस्तक पर प्रकाशन से पूर्व प्रतिबंध लगा दिया। यानी सरकार इतनी डर गई कि ये जो पुस्तक है उसको प्रकाशन से पूर्व ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये पुस्तक इतनी प्रेरणा देगी भारतीय राष्ट्रीय जो क्रांति में जो लोग जुड़ेंगे उनको। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों से प्रकाशित हुई। यानी इस पुस्तक को नाम बदलकर वापस प्रकाशित किया गया, जिनमें पीक वीक पेपर्स व स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंची। भारत के क्रांतिकारियों ने इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ा। इस पुस्तक ने इंग्लैंड में सावरकर जी को युवा क्रांतिकारियों का हृदय सम्राट बना दिया। यानी ये पुस्तक इतनी पॉपुलर हुई कि लंदन में जो भारत में जो युवा क्रांतिकारी थे उनके हृदय का सम्राट वीर जी विनायक जी दामोदर सावरकर को बना दिया। यानी उनके हृदय पर राज करने लगे। मदन लाल ढींगरा का बलिदान इन्हीं की प्रेरक वाणी का फल था। यानी मदन लाल ढींगरा ने जो काम किया वो इन्हीं की वाणी का फल था। इनके ओजस्वी भाषण सुनकर उन्होंने यह कार्य किया था। सावरकर के कामों ने उन्हें प्रसिद्ध तो कर दिया किंतु इंग्लैंड की अंग्रेज सरकार उनके कामों से अप्रसन्न हो गई। यानी क्रांतिकारियों में इन्हें हृदय का सम्राट तो बना दिया किंतु यह बात ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। जब उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली तो सरकार ने उन्हें प्रणाम पत्र देने से इनकार कर दिया और उनके सामने एक शर्त रखी गई, यदि सावरकर क्रांतिकारी कार्यों को करना छोड़ दे तो सरकार उन्हें प्रणाम पत्र दे सकती है। यानी बैरिस्टर की परीक्षा पास करने के बाद बैरिस्टर की जो उपाधि है वो इनको नहीं दी गई क्योंकि सरकार ने कहा आप जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो कार्य करते हैं वो करना छोड़ेंगे तो ही आपको बैरिस्टर की उपाधि दी जाएगी। अब विनायक दामोदर करजी कहाँ मानने वाले थे, पर सावरकर ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें बैरिस्ट्री का प्रणाम पत्र नहीं देश की स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रिय थी। यानी इन्होंने बैरिस्ट्री की जो परीक्षा का प्रणाम पत्र लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें देश की स्वतंत्रता अधिक प्यारी थी।
सावरकर जी गुप्त रूप से अस्त्र शस्त्र और विप्लव संबंधी साहित्य भारत भेजा करते थे, यानी अस्त्र शस्त्र विप्लव संबंधी साहित्य भारत भेजा करते थे। और उनकी इस प्रकार की गतिविधियां ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग से छुपी नहीं थी, यानी वो अस्त्र शस्त्र भेज रहे हैं, साहित्य भेज रहे हैं, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ब्रिटिश जो गुप्तचर एजेंसी है उनसे छुपी नहीं रह सकी। भारत में जैक्सन नासिक कलेक्टर की हत्या को सावरकर के साथ जोड़ दिया गया, यानी जो नासिक कलेक्टर थे जैक्सन उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या का जो जुड़ाव है इनसे कर दिया कि इनके कहने पर ही यह हत्या हुई थी। मदन लाल ढींगरा ने दीन दहाड़े 1909 ईस्वी में करजन वायली की हत्या कर दी। क्लियर, दीन दहाड़े करजन वायली की हत्या कर दी। वायली की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए एक सभा की गई। सभा में जब ढींगरा का निंदा प्रस्ताव उपस्थित हुआ तो सबने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर एक व्यक्ति ने जब ढींगरा की ने उसका विरोध किया और वह व्यक्ति सावरकर जी थे। यानी ढींगरा जी ने जब करजन वायली की हत्या की थी तो शोक सभा में सभी ने ढींगरा जी को इसका दोषी माना, किंतु सावरकर जी ने इसे दोषी नहीं माना। इन सब घटनाओं से अंग्रेज सरकार ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान पर कड़ी निगरानी के साथ भारत लाया जा रहा था, यानी ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था। उन्होंने समुद्र में कूदकर भागने की योजना बनाई, यानी इतना लंबा जो समुद्र है उसमें कूदकर भागने की योजना बनाई वीडी सावरकर जी ने, और जीवन की चिंता किए बिना विशाल समुद्र में कूद पड़े, परंतु पकड़े गए और उन्हें भारत लाया गया, जहां उन्हें 55 वर्ष की काले पानी की सजा दी गई। 55 वर्ष तक काले पानी की सजा दी गई और अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। यानी भारत के जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, वहां पर एक सेलुलर जेल है जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है और उसमें सावरकर जी को भेज दिया गया। 1911 से 1924 तक सावरकर को सेलुलर जेल में बड़ी यातनाएं दी गई, यानी 1911 से 1924 लगभग 14 वर्ष तक यह जेल में रहे और बड़ी यातनाएं इनको दी गई। 1924 में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें रत्नगिरी में नजरबंद कर दिया गया। जेल से मुक्ति उन्हें 1937 में मिली। उसके बाद वे हिंदू संगठन के कार्य करने में लग गए। उन्होंने आखिरी समय तक भारत के विभाजन को रोकने का अथक प्रयास किया। अतः उपरोक्त विभिन्न घटनाओं से स्पष्ट होता है कि सावरकर जी स्वदेव ही अपने युग के युवा क्रांतिकारी एवं देशभक्त के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहे। ये आपके सामने वी डी सावरकर जी हैं और इनके जो प्रमुख प्रमुख कार्य हैं वो थे। नेक्स्ट, इनसे प्रेरणा पाकर इनके भाई विनायक दामोदर सावरकर की भांति उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी भारत की क्रांति के लिए कार्य करते थे। उन्होंने देशभक्ति से पूर्ण कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। यानी देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको प्रेरणा देने वाली ये कविताएं लिखते थे, अतः जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। 8 जून 1909 को देश से निर्वासन कर उन्हें काले पानी का दंड दिया गया। वास्तव में यह सजा सर्वथा अनुचित थी। अभिनव भारत नामक संस्था ने यह तय किया कि जैक्सन से बदला लिया जाए। अतः अनंत कानरे ने जैक्सन को 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी और इसका आरोप भी सर विनायक दामोदर सावरकर पर लगा दिया गया। अनंत कानरे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र अभियोग खड़ा कर दिया। परिणाम तो है स्वरूप अनंत कानरे और उनके साथियों को मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कैसे विनायक दामोदर कर सावरकर ने 1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और किस प्रकार अपने आजीवन देश की स्वतंत्रता में लग गए। इनसे प्रेरणा पाकर अन्य लोग ने भी प्रेरणा पाई, जिनमें महाराष्ट्र के अरविंद घोष, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका भी बड़ा योगदान रहा। इन्होंने 1872 में
इनका जन्म हुआ अरविंद घोष का, और इन्होंने जन्म के बाद विनायक दामोदरकर जी से भी ली थी प्रेरणा, और ये भी गरम दिल के सदस्य हैं। 1902 में अरविंद की पहल पर बंगाल और महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की गुप्त समितियों का गठन किया गया। बंग बंग विरोधी आंदोलन में उनका स्थान अद्वितीय रहा। संपा और वंदे मातरम पत्र के संपादन ने इस आंदोलन को गति दी। अरविंद घोष की प्रमुख क्रांतिकारी देन वंदे मातरम का कार्यवाहक संपादन था। 6 अगस्त 1906 को यह पत्र अंग्रेजी भाषा के दैनिक पत्र में रूपांतरित हुआ। इनसे प्रेरणा पाकर अरविंद घोष भी पीछे नहीं रहे। 2 जून 1907 में एक साप्ताहिक रूप से पत्र निकाला। यह साहसपूर्ण व्रति, सशक्त विचारधारा, स्पष्ट भाव से ओतप्रोत, जिस प्रकार वी डी सावरकर जी थे इसी प्रकार ये भी थे, और इन्होंने भी देश की क्रांतिकारी जो कार्य हैं उनमें महती भूमिका निभाई थी। वंदे मातरम के माध्यम से आपने बंगाल की जनता में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जागृति उत्पन्न करना आरंभ किया। इन्होंने क्रांतिकारी पुस्तक भवानी मंदिर लिखकर क्रांतिकारियों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। वंदे मातरम के एक अंक में कहा गया कि हिंसा का हिंसा से सामना करना, अन्याय की पोल खोलना और उसका विरोध करना, अत्याचारों के आगे सिर न झुकाना, इनकार करना, छल कपट और विश्वासघात के गढ़ों को नष्ट करना, बहिष्कार और स्वदेशी को प्रोत्साहन देना वंदे मातरम की नीति के मुख्य फलक थे। अरविंद ने आपने भारतीय पत्रकारिता को एक नया नव राष्ट्रवादी स्वर दिया। ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही इनमें राजद्रोह की झलक दिखाई देखने लगी। अपने प्रकाशित लेखों में 11 से 23 अप्रैल तक 1907 के अंकों में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 बड़े लेख प्रसिद्ध हुए। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि देश में जो व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं, जो छात्र ब्रिटिश विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको विद्यालयों से उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी उनकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और जो वकील ब्रिटिश अदालतों में वकालत करते हैं उन्हें अदालतों का बहिष्कार करना चाहिए। यह बातें निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाती हैं। लेख लिखे शीघ्र ही ये लेख राष्ट्रीय चिंतन की दिशा में बोध स्वर बन गए। आपने देश के नवयुवकों को आह्वान किया कि अर्जी प्रार्थना याचिकाओं को देने की प्रक्रिया को विशेला धोखा बताया। इस दौरान इनके राजनीतिक विचारों के 3 रूप सामने आए, और यह कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनके आलोचक बन गए, जो नरमपंथी थे। आलोचकों के रूप में अंग्रेजों के आलोचक का रूप तथा आपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्पष्ट, उन्होंने आत्मविकास और आत्मरक्षात्मक प्रतिरोध करने को कहा। आपने लिखा, हम आत्मा विकास की नीति को राष्ट्रीय जीवन के हर विभाग में लाना चाहते हैं। हमें आत्मविकास करना चाहिए और इसे हर क्षेत्र में लाना चाहिए। केवल स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पंचायती अदालतें, स्वास्थ्य, रक्षा, दुर्भिक्षा, बीमा, हमारे हाथ में जो कुछ काम आए या जो भी तुरंत करने की जरूरत हो, हमें उसे अपने आप करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शुरू में हमारा रक्षात्मक प्रतिरोध मुख्य रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, फिर भी जब कभी बाध्य हो तो सक्रिय प्रतिरोध द्वारा पूर्ण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी निष्क्रिय प्रतिरोध तो करना ही, साथ में अगर जरूरत पड़ी तो सक्रिय प्रतिरोध से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वंदे मातरम के लेख ब्रिटिश सरकार को सहन न कर सके, परिणाम स्वरूप 1908 में इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। कारागार में ही उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्फुटित हुआ और वे वैश्विक हो गए। इस तरह राजनीति को तिलांजलि देकर आप पांडिचेरी चले गए, परंतु वहाँ भी उनके राष्ट्रभक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनका विचार था कि भारत को स्वतंत्रता एवं एकता दिलाने में सिद्धि योग सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार इन्होंने भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों में महती भूमिका निभाई थी। इसी के बाद एक और हैं वरिंद्र घोष। बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन ने देश में एक नई पहल चहल पहल पैदा कर दी।
कई समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को नया जीवन प्रदान किया। बंगाल में बी मित्रा ने 1906 में अनुशीलित समिति नामक संस्था गठित की। इस संगठन के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी अरविंद घोष, वरेंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त और उनके छोटे भाई अरविंद के छोटे भाई थे। क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपने 1906 में युगांतर नामक पत्र निकाला, जिसे देश के युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। आपने साथियों ने आपके साथियों ने कोलकाता में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। वे अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष के लिए हथियार इकट्ठा करने, सभी अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाने लगे, यानी वरेंद्र घोष जी, इस प्रकार उन्होंने कार्य किया। इन सब घटनाओं के पश्चात अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। अंग्रेज पुलिस ने कलकत्ता स्थित मणिक तल्ला में क्रांतिकारियों के ठिकाने पर छापे मारे। वे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन पर सामूहिक रूप से अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया और काले पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया। इस प्रकार यह भारत के क्रांतिकारी प्रमुख नेता थे। इनमें एक और नाम आता है, जतिन मुखर्जी। स्वाधीनता संग्राम में क्रांति वीरों का जो अनुपम योगदान रहा, उनका केंद्र भारत था, जिसमें भारत के अन्य नेता भी शामिल थे। क्रांतिकारियों की गौरव गाथा में संपूर्ण देश में बाबा जतिन के नाम से यह प्रसिद्ध हो गए। आपने काले पानी की सजा के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। छिटपुट बमबाजी न करके बड़े बड़े पैमानों पर क्रांति फैलाना चाहते थे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना में जाटों की 10वीं जाट रेजिमेंट को गुप्त रीति से क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए तैयार कर लिया। इन क्रांतिकारियों ने जाट रेजिमेंट के सहयोग से अंग्रेज सेनापति तथा दूसरे अंग्रेज अफसरों के साथ हत्या करने की योजना बनाई, परंतु ऐन वक्त पर सिपाही ने पूरी योजना की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इससे सारी योजनाएं असफल हो गई। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमे चलाए गए और इन्हें दंडित किया गया। इस घटना से आपको विचलित कर दिया। आपने व्यापक क्रांति के लिए जर्मनी से रोडा एंड कंपनी के द्वारा हथियार मंगवाए। उनके जहाजों द्वारा हथियार तो भेजे गए, परंतु वे क्रांतिकारियों को मिल न सके, अंग्रेजों के हाथ लग गए। पुलिस ने आपका पीछा किया। 1915 में उड़ीसा की बालन नदी पर बालासोर में एक खाई में पुलिस से मुठभेड़ करते हुए आप शहीद हो गए। इसी प्रकार एक अन्य क्रांतिकारी और है, रास बिहारी बोस। बंग बंग का विरोध करने के लिए रास बिहारी बोस ने क्रांति की योजना बनाकर राष्ट्रीय चुनौती स्वीकार की। बंगाल के क्रांतिकारियों में इनका प्रमुख स्थान था। वे अत्यंत बुद्धिमान और प्रखर देशभक्त थे, यानी यह अत्यंत बुद्धिमान और प्रखर देशभक्त थे। रास बिहारी बोस घोष थे। भारत की आज़ादी के लिए देश के अंदर ही नहीं अपितु देश से बाहर जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को मरते दम तक चलाते थे। ये देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। बाल्यावस्था से ही इनके मन में देश से बाहर जाकर से ही मन में यह भाव पनप रहा था कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए उन्हें अपना जीवन समर्पित करना है। युवावस्था में आपने वन विभाग के शोध संस्थान की रसायन शाला में नौकरी की, परंतु इसके पीछे भाव धन कमाना नहीं था। रसायन विभाग में काम करने के पीछे उनकी योजना थी क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने के लिए रसायन प्राप्त करना, यानी आपने रसायन प्रयोगशाला में जहां कार्य किया था वन प्रयोगशाला में, तो आपका वहां धन कमाने का औचित्य नहीं था, बल्कि आपका औचित्य ये था, उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारियों को बम बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो वहां से उपलब्ध कराना, बमों का निर्माण करना, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अंग्रेजी शासन को ध्वस्त करने में भारतीय नौजवानों को जुटाना। बंगाल में उनका प्रमुख केंद्र चंद्रनगर था। पंजाब में उत्तर प्रदेश के कुशल क्रांतिकारियों में वे संपर्क में रहते थे, उन्हें दिशा निर्देश देते थे। आवश्यक वायसराय लॉर्ड हेडिंग पर कातिलाना हमला इन्हीं की सूझबूझ का
परिणाम था हार्डिंग बच अवश्य गए, किंतु क्रांतिकारियों की दहशत से ब्रिटिश सरकार घबरा गई। इस घटना के पश्चात राज बिहारी जी ने गदर पार्टी आंदोलन को सक्रिय करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में जब पंजाब गदरवासियों का केंद्र बना और संपूर्ण भारत में 21 फरवरी 1915 को एक साथ विद्रोह पुनः करने का प्रयास किया। लाहौर इसकी योजना का केंद्र था और राज बिहारी बोस इसके प्रमुख आयोजक प्रयास आयोजक कृपाल सिंह नामक मुखबिर के कारण अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई और बहुत से क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। क्रांति असफल रही, परंतु इससे अंग्रेजों और जनता के बीच एक संदेह की दीवार खड़ी हो गई। यानी आप देश में पुनः एक क्रांतिकारी गतिविधि को भाग देना चाहते थे, किंतु कृपाल सिंह नामक एक मुखबिर के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई। और 1915 में जब प्रयास किया गया, लाहौर इसकी केंद्र था और कृपाल सिंह ने इसकी मुखबरी कर सरकार को सूचना दे दी और यह क्रांति असफल रही, परंतु अंग्रेजों और जनता के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। राज बिहारी बोस भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की विशेष योजना पर काम करते रहे। भारत में अंग्रेजी सरकार से राज बिहारी बोस की गतिविधियां छिपी न रह सकी। अब उन्होंने भारत में रहना उचित न समझा और अंग्रेजों को धोखा देकर भारत से बाहर चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध